गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और ये किसी की जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जिसकी ये है कहानी। हम आपको उसी की जुबानी सुनाएंगे ताकि आपको ये कहानी पसंद आए। अभी आप एक काम करो, जल्दी से ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करो, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। जी अब ईयरफोन लगा लिया ना, अब चलो कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी अनुज की है, अनुज की जिंदगी की एक सच्ची दास्तां। अब चलो मैं आप सबको इस कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम अनुज है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मेरी शादी अभी कई महीने पहले ही हुई है, अभी तक साल नहीं पूरा है। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं मतलब अपने मम्मी पापा का एक लौता बच्चा था, लेकिन किसी कारणवश एक दुर्घटना में उन दोनों की मौत हो गई तो मैं बहुत ही अकेला हो गया। मेरे और कोई नहीं थे, ऐसे में मैं बस यही सोचकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगा। कुछ दोस्त थे तो वो चाहते थे मैं शादी कर लूँ। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, शादी करने से आपको एक पत्नी मिल सकता है, लेकिन मुझे पूरा परिवार चाहिए था। थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन कहते हैं ना नामुमकिन नहीं था। मैंने देखना शुरू किया एक तो जगह, फिर मुझे एक जगह इश्तहार दिखा। हाँ मेरी शादी जो हुई थी वो एक सोशल मीडिया के जो वेबसाइट्स होते हैं, मैरिज वेबसाइट्स, उन सबसे मेरी शादी हुई थी। तो उस लड़की का नाम था रूपा, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उनका क्या था कि वे लोग दो बहनें थी और मम्मी पापा, उनके कोई भाई नहीं थे तो उन्हें घर जमाए चाहिए था। उनका जो घर था वो मेरे घर से दूर था, पता चला वो काफ़ी अमीर थे। उनके पिता से भी मैंने भेंट किया, वो लोग चाहते थे कि मैं शादी के बाद वहीं रहूं, तो मैंने भी कहा ठीक है मैं रह लूँगा। दोस्तों ये चीज़ मेरे लिए अच्छा ही था क्योंकि इससे मुझे पूरा परिवार मिल रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक परिवार की बहुत कमी थी। तो मैं शादी के लिए वहाँ उनके घर पर तैयार हो गया। दोस्तों बाकी सब कुछ सही थी, रूपा देखने में मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाँ एवरेज लुक था, अच्छी लगती थी। वो देखने में इतनी अच्छी तो नहीं कि मैं उसकी तारीफ करते रहूँ, लेकिन हाँ मैं उसे प्यार करने लगा। अब दोस्तों प्यार जो है ना वो के साथ रहने से हो ही जाता है। धीरे धीरे मेरी उससे शादी हुई और मैं उससे के साथ लाइफ में खुश था। रूपा के पहले भी बॉयफ्रेंड थे, उसने मुझे खुद बताया था, लेकिन अब वो मेरे साथ लॉयल थी। इस वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पहले बॉयफ्रेंड था नहीं था, किसी की भी पर्सनल लाइफ क्या फ़र्क पड़ सकता है। वो शादी से पहले की बात थी इसीलिए। तो मैं उसके साथ ज़िंदगी में खुश था। यहाँ पर जो मेरे सास ससुर थे उनकी भी उम्र हो गई थी, वे लोग नीचे रहते थे, ऊपर का कमरा मेरा और रूपा का था और बगल वाले कमरे में रीतू रहती थी। रीतू मतलब कि मेरी पत्नी की बहन, वो अभी पढ़ाई कर रही थी, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। दोस्तों वो देखने में मेरी वाइफ से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इससे मुझे क्या। खैर अगर उसकी शादी होती तो उनको घर जमाए नहीं रखना था, वो जहाँ पर शादी होगी वहीं पर रहेगी। असल में वो बाहर पढ़ने जाना चाहती थी और मेरी वाइफ थोड़ी घर की थी, घर की देखभाल करने वाली, इसलिए वो घर पे ही रहना चाहती, आप समझ रहे हो ना। तो मेरे लिए तो मेरी वाइफ ही अच्छी थी भाई, मुझे दो दो फायदा जो हो रहा था। ऐसे ही समय गुजरने लगा। दोस्तों धीरे धीरे मैं पूरे घर पर एकदम घुल मिल गया था, क्योंकि अब सब उन लोगों के साथ ही रहना था। मेरी ज़िंदगी में अब बिल्कुल सही चल रहा था। मेरे जो ससुर जी थे उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, जिस बिजनेस को मैं हैंडल करता था क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, और घर पर सब सही था। दोस्तों धीरे धीरे अब एक चीज़ तो है, इंसान के पास जब कुछ हो जाता है तो उसे जब इन चीज़ों को खोने का डर नहीं होता तब वो गलत रास्ते पे चल देते हैं। शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था। अब मेरे पास ज़िंदगी में सब कुछ था, यूँ कहे तो दोस्तों मैं उतना खुद से कभी कमा नहीं सकता था जितना मेरे लाइफ में मुझे मिल चुका था। इतना बड़ा बिजनेस, एक अच्छी पत्नी, और क्या चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे मेरा आदत बिगड़ने लगा,
मैं रोज़ दोस्तों के साथ पार्टीज़ करने लगा और इधर उधर घूमता फिरता। और ऐसे ही कई महीने गुजर गए। मेरी पत्नी ने कई बार कहा, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा था। उस वक्त तक मुझे एहसास भी नहीं था कि मैं इससे कुछ खो दूंगा। मेरी पत्नी कुछ बोलती तो मैं उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं देता, मतलब सुनकर सुना कर देता। धीरे धीरे हमारा एक छोटा सा बच्चा हुआ, जिसका नाम मैंने करण रखा। दोस्तों, करण के परवरिश में मेरी पत्नी थोड़ी ज़्यादा व्यस्त हो गई, तो मैं अपने कामकाज में रोज़ मैं दारू पी कर आता। मैंने जैसे ही कहा था, घर के ऊपर में दो कमरे थे, एक मेरा और मेरी पत्नी का, जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा वहाँ रहता था, और दूसरा एक जहाँ पर मेरी साली रहती थी। दोस्तों, ऐसे ही समय गुजरता रहा। और एक बात तो था, जो मेरी साली थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुझसे बातचीत करती थी पहले से ही। वो मुझसे काफ़ी अट्रैक्ट थी, मुझे शायद पसंद भी करती, लेकिन मैं उससे थोड़ा दूरी बना कर ही रखता। दोस्तों, वो क्या है ना, मैं नहीं चाहता था कि किसी भी हाल में, मतलब कुछ भी करके मैं अपना परिवार को ख़राब कर दूं, क्योंकि इन सब की वजह से मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला था, तो मैं ये चीज़ खोना नहीं चाहता था। इस वजह से भले ही वो मेरी, मतलब पत्नी की बहन, कितना भी मुझसे बात करने आए, मैं उससे कहता कि तू तो हल्का दूरी बना ही के रख। ऐसा ही मेरा हालत था। दोस्तों, एक बार की बात है, उस दिन में मैं बहुत ज़्यादा पी के आया था। इतना पी के आया था कि मुझे होश ही नहीं था। मैं किसी तरह अपने कमरे पे जा ही रहा था, और तभी मैं अचानक से बेहोश हो गया। मुझे होश नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी पत्नी ने मुझे उठाया और अपने कमरे पे ले गई। दोस्तों, अब मैं भी एक इंसान हूँ, और अगर मेरी पत्नी उठाएगी और दारू के नशा में होगा, तो मेरा भी कुछ मन होगा। वो सब कुछ मैं भी कर गया। दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद मुझे कुछ एहसास नहीं था, क्योंकि वो तो मेरी पत्नी ही थी। उस रात मैं सो गया। सुबह जब उठा तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैं अपने रूम पर नहीं था, बल्कि अपने पत्नी की बहन के रूम पर था। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते हो ये चीज़ कितना बुरा हुआ। इस चीज़ से मेरा पूरा परिवार ये हो सकता था। मैं बहुत डर गया। मैंने कहा, तुम मुझे अपने कमरे पर क्यों ले आई? तो उसने कहा, अरे मैंने आप, उस वक्त दीदी सो रही थी, इसीलिए मैं आपको अपने कमरे पर लेके आ गई। मुझे क्या पता था आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ जानबूझ के ऐसा नहीं किया। तो उसने कहा, अच्छा जो भी हो, लेकिन अब एक बात सुनिए, अब जो भी हो वो आपको रोज़ाना ऐसे करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो मैं दीदी को बोल दूँगी। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं शादीशुदा हूँ। तो उसने कहा, देख लो तुम्हें जैसा अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी को ये बात बोल दूँ तो ठीक है, और अगर नहीं चाहते तो जो मैं कहती हूँ वो करो। एक बात सुन लो, अगर मैं ये बोल दूँगी, आप दीदी को तो आपको छोड़ भी देगी, आपकी बेटी भी, मतलब आपका जो बच्चा करण, वो भी आपसे जुदा हो जाएगा। और साथ ही सबसे ज़रूरी बात, आपको ये जॉब, मतलब आपका बिजनेस सब हाथ से हट जाएगा। दोस्तों, आप समझ सकते हो उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब से, उस वक्त से मुझे उसकी बातों पर आना पड़ा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और आज भी बस मैं उसका गुलाम, वो मुझे जो कहती है वो कहना करना पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता देना चाहिए? मैं अभी बहुत डरा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, या फिर जैसा सब कुछ हो रहा है वैसे ही होने देना चाहिए? दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबसे जवाब चाहता हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे ये बातें शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, ज़रा कमेंट बॉक्स पर अपना जवाब ज़रूर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।